हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड चल रही थी ना कि मैम जो है आप हमें बताइए कि हमारी रैंकिंग क्या है, ताकि हम लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, है ना? तो आज हम लोग जो है वो आपकी रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और इस जो अभी रैंकिंग को जो हम लोग देखेंगे, मैं अभी टेस्ट 15 जो अभी शनिवार को टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट की जो है वो रैंकिंग को लेकर के चलूंगी। और ग्राफ भी जो है वो साथ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर 15 के अंदर हम लोग जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे जो है, फर्स्ट रैंक पे है सुरेश। 25 मिनट 58 सेकंड में जो है इनका 184 नंबर आया है, ए ग्रेड है। तो आइए इनके टेस्ट के हम एनालिसिस देखते हैं। सुरेश को हम देखते हैं। मैं ऐसे ही वन बाय वन जो है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक बार कोशिश करेंगे हम लोग सबकी एनालिसिस देखने के लिए। ये सुरेश है हमारे पास आ गए। ये आपके जो है वो टॉपर हैं, टॉप लिस्ट वाले हैं मिस्टर सुरेश। अभी अगर मैं बात करें अगर हम लोग, तो ये जो 15 है इसमें अभी इनके जो है वो 184 मार्क्स जो है वो आए हुए हैं, ठीक है? 15 जो है, टेस्ट 15, ठीक है। परसेंटाइल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज 92.02% जो है इन्होंने जो है वो गेन किया है। मार्क्स जो है उनके 184 हैं। अगर मैं इनका 15 नंबर का टेस्ट है, देन 14 पे जाऊँ, 14 नंबर का टेस्ट अगर हम जाएँ तो इनके 65% बन रहे थे। देन अगेन अगर हम लोग जाते हैं 11 नंबर, बीच में क्या किया आपने सुरेश जी? ड्रॉप किया है आपने, बीच के पेपर्स आपने नहीं दिए हैं, बट फिर भी 82% आपके 11 नंबर पे बन रहे हैं, 65% आप डाउन आए आपकी 14 नंबर में, और 15 नंबर पे 92% बन रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड स्कोर। सो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम श्री समृद्धि इंस्टीट्यूशन साइड, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुरेश जी। नेक्स्ट सेकेंड रैंक पे हम लोग आते हैं, पेपर नंबर 15 में कमलेश नायक, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट। फेवरेट क्यों है? अभी ये हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में भी आए थे, क्रैश कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था, क्रैश कोर्स करके गए हैं। और इनका स्कोर जो है कमलेश नायक का 184.04, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से जाएं तो इनका परसेंटेज जो है ये देखिए आप 92.02% है। अगेन ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, 92% ए ग्रेड में आ रहे हैं। अगर मैं पीछे के ग्राफ को अगर इनके देखने की कोशिश करूं, तो इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर, छोड़ो राजस्थान को नहीं देखते, लाइब्रेरी पे ही अपन चलते हैं, 14 के अंदर 87%। ये तो गलत बात है भाई, लाइब्रेरी के अंदर आप लोग के इतने टॉप के स्कोर्स हैं, ज्योग्राफी के अंदर ऐसा क्या कर रखा है? देखो ग्राफ को बिल्कुल, ज्योग्राफी आप लोगों के ग्राफ को बिल्कुल नीचे ला रहा है। तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो इसका मतलब अब आपको जो है इस पे काम करना चाहिए ना। पहले समय नहीं मिला, अगर आपने नहीं किया ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे वर्क नहीं किया, तो अब आपको काफी अच्छा समय मिल रहा है। तो कमलेश यू आर डूइंग रियली वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइब्रेरी के अंदर। बच्चे अब आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी थोड़ा सा आप देखो, ध्यान दो, अदरवाइज फिर ये आप इस वैकेंसी में जो है मुझे लगता है कि बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप इस पे जो है वो ध्यान दीजिए। ओके कमलेश, चलिए थर्ड नंबर पे है अक्षय, 175.38 मार्क्स के साथ अक्षय को देखते हैं। ये आए अक्षय जी। अक्षय जी के परसेंटेज पे चलते हैं, 87.69% है 15 के अंदर। ज्योग्राफी नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 41% पे चले गए आप। अगेन 14 नंबर पेपर के अंदर 76% है, ये क्या हुआ? ज्योग्राफी में 18% नहीं चलेगा भाई, तैयारी मतलब पूरी तैयारी, बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी तो हिस्ट्री भी नहीं लिया, हिस्ट्री लेते फिर क्या होता? हाँ लाइब्रेरी पेपर 12 में 78% गुड मार्क्स, 54% 11 में अच्छा स्कोर है, देन मुझे लग रहा है 10 शायद आपने दिया नहीं, 9 में 74% अगेन वेरी गुड स्कोर, 8 में 41% है
अच्छा नहीं है, 50% से नीचे बढ़िया नहीं है। एंड पेपर नंबर 7 में आते हैं, सेट 7 में अगर हम लोग आते हैं तो 64%। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके ग्राफ को देखें हम लोग, अगर लाइब्रेरी लाइब्रेरी के ग्राफ को देखें तो यू आर हेयर फ्रॉम देयर, तो आप यहाँ से वहाँ तक ठीक हैं, ऑल गुड, बढ़िया है आपका। नेक्स्ट अपन 5वें नंबर पे आते हैं, सॉरी 4थे नंबर पे आते हैं, गोपाल डोगीवाल, खोजते हैं इनको, गोपाल डोगीवाल, ठीक है, मिल गए हमें, 9136354121। चलो डोगीवाल जी को देखते हैं, 15 के अंदर, टेस्ट 15 के अंदर 85.37, और अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो 170.74 मार्क्स के साथ हैं ये, और ये जो है हमारे 4th रैंक पे हैं। ओवरऑल इनका भी अगर हम लोग देखें तो 15 के अंदर 85 मार्क्स, सॉरी 85%, 14 के अंदर 92% थे, गुड, दैट्स गुड, वेल डन, 13 के अंदर 86%, अगेन गुड मार्क्स, 12 के अंदर 81%, वेरी नाइस, 11 के अंदर 38, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 10 के अंदर 68, सही है, एंड 9 के अंदर 78% मार्क्स। ओवरऑल अगर आपके ग्राफ को देखें और लास्ट के अगर हम लोग जो है वो एग्जाम्स को देखें तो यू आर डूइंग रियली वेरी गुड। बट बच्चे आप ज्योग्राफी के अंदर भी काम करो, जीके हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा पढ़ना चालू करो, केवल लाइब्रेरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, सुमन 5th रैंक पे है, एक सौ 68.08 मार्क्स हैं इनके, और परसेंटेज के हिसाब से अगर हम जाएं तो 39.11%, 39.11% कैसे हो सकता है, सॉरी, अच्छा इन्होंने टेस्ट सेट 16 भी अटेम्प्ट कर लिया है, दैट्स वेरी गुड, 39.11% जो है इनके, सुमन के जो है वो, सॉरी, हाँ सुमन के जो है वो मार्क्स आ रहे हैं। अब अराउंड 40% के आसपास हैं आप, ज्योग्राफी अगेन आपका गायब है, लाइब्रेरी साइंस 14 में 49%, देन अगेन 48%, 0%, 0%, 42%, ऐसा लग रहा है जैसे दो पेपर आपके जो है वो अटेम्प्ट शायद हो सकता है, जल्दीबाजी में हो गए हो, जीरो मार्क्स आए, अदरवाइज जीरो तो नहीं आना चाहिए अगर आपने एक क्वेश्चन भी किया है, बट ओवरऑल आपको जो है परिश्रम करने की आवश्यकता है, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अब आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, सुमन के बाद एकता अग्रवाल, एकता अग्रवाल, फिफ्टीन के अंदर 80.05 मार्क्स, सॉरी परसेंट, 80% के करीब इनका जो है मार्क्स, 160, ओके 160 अगर हम लोग जाएं, आई थिंक हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, सुमन का अगर 68 था तो मार्क्स इतने लेस कैसे आए, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, सुमन को फिर से देखते हैं, ओके हमारे पास दो सुमन है, तीन सुमन है शायद, मेरे ख्याल से ये होंगी, सिक्सटीन अटेम्प्ट किया, नो ये भी नहीं है, ठीक है सुमन का थोड़ा सा कंफ्यूजन, हम सुमन को थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं, मैं सुमन को एक बार और देख लूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट के अंदर नंबर नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम एकता को देख रहे थे, एकता को देखते हैं एक बार, सुमन मैं आपको लास्ट में लेती हूँ बच्चे, ठीक है लास्ट में आपको एक बार देखती हूँ आपका, क्योंकि तीन चार नंबर्स हैं तो
ठीक है, एकता का जो है 80.05% मार्क्स बना हुआ है, नंबर के हिसाब से जाएं तो 160.1 मार्क्स हैं, 13 मिनट 50 सेकंड में आपने किया है। अगेन दिस इज वेरी नाइस, टाइम आपने कम लिया है, बट आप इसको और अच्छा कर सकते थे। ग्रेड बी में आप आए हैं, आप इसको बहुत अच्छा कर सकते थे। मैं अगर आपके सॉल्यूशन पे जाऊं तो आपने ये क्वेश्चन गलत किया। 8 नंबर, 9 नंबर, प्रबंधन का कौन सा स्तर गतिविधियों के निर्वहन, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है, टॉप लेवल होता है। ओके, आपने किया है मिडिल लेवल। छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हो, है ना, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स जो है हमें बहुत दुख देते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कमलेश कुमार मीणा। नेक्स्ट है कमलेश कुमार मीणा। कमलेश कुमार मीणा, ओके। कमलेश कुमार मीणा जी, 160, आपका ग्राफ क्यों नहीं शो हो रहा है? एक मिनट मैं और देख लेती हूँ, अपने पास दूसरे कोई कमलेश कुमार जी तो नहीं है। कमलेश कुमार मीना, ओके ठीक है, ये वाले कमलेश जी चाहिए हमको। चलिए अपने पास कमलेश जी मिल गए, खोज लिया हमने फाइनली इनको। 15 के अंदर जो है इनका स्कोर है 80.05% इनके आ रहे हैं, स्कोर के हिसाब से जाएं तो 160.1 नंबर है। पीछे अगर जाएं तो 89% थे, जो कि आगे चल के कम हुए हैं, दिस इज नॉट गुड। अगर एग्जाम होता तो तैयारी के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमें अपने ग्राफ को ऊंचा 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 और ऊंचा ही ले जाना था, बट आप जो है डाउन ही आ गए, तो आप अगेन जो है वो कोशिश कीजिए। एंड बच्चे आप भी देखो ज्योग्राफी के अंदर आपने क्या किया है, बिल्कुल डाउन आ गया आपका ग्राफ, तो ज्योग्राफी पे थोड़ा सा वर्क करो बेटा, नहीं तो फिर ये आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ भैया दाऊद, है ना, सबसे ज्यादा वेट जो है रिजल्ट का जो है इन्हीं को है कि मैम कब आप डिस्प्ले करेंगे, कब आप बताएंगे। क्यों? क्योंकि आज अभी ये टॉप 10 में आए हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा क्रेज है कि मैम आप कब बताएंगे। चलो मिस्टर दाऊद, 79.71% के साथ हैं आप, 159.42 मार्क्स, ठीक है, आपके आए हैं। ज्योग्राफी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, 20-20 क्वेश्चंस में भी आप लोग नहीं कर पाए हैं। फिर 14 नंबर टेस्ट में 74% अच्छा मार्क्स है। अगेन आपका लाइब्रेरी 13 के अंदर 9 मार्क्स, ये क्या चक्कर हो गया? राजस्थान ज्योग्राफी 10 मार्क्स छोड़ो। देन टेस्ट से 12 में 97.3%, वेरी वेल डन, अच्छा स्कोर है। बट ये स्कोर यहाँ से ये ऐसे जाना चाहिए, है ना, ये आपका जो सीक्वेंस है ये अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से ऐसे जाना चाहिए ना, ये नीचे तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, नीचे तो नहीं आना चाहिए, है ना। वर्क हार्ड, वेरी वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट धीरज कलाल, धीरज कलाल मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सोना बच्चा, है ना, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी। ये आपका 16 शायद अटेंड किया नहीं अभी। 79.04% है मार्क्स के हिसाब से, 158.08। धीरज बच्चे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैंने आपको देखा है, यू आर अलमनाई ऑफ श्री समृद्धि क्लासेस, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस आपसे और अच्छी है और ज्यादा है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे। सेट अगर हम लोग देखें, ज्योग्राफी छोड़िए आप, इसके बाद लाइब्रेरी 14 में अगर देखें तो 71%, दैट्स गुड। 13 ठीक है, आपने स्टार्ट ही किया है 13 से, एंड दिस इज योर थर्ड टेस्ट अगर लाइब्रेरी का देखें तो, अच्छा है, यू आर डूइंग रियली गुड, बट आगे और अच्छा कीजिए, ठीक है, सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट आइए विजय, विजू, विजय देखते हैं, विजय हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन केवल विजय हमें चाहिए। चलिए विजय जी आ गए,
79.04% के साथ हैं ये मार्क्स में अगर जाएं तो 158.08 मार्क्स ग्रेड के हिसाब से बी ग्रेड है। ज्योग्राफी नील बट्टा सन्नाटा हैं वापस 14 नंबर में 69%, अगेन फिर 13 में जो है 60%, फिर से राजस्थान ज्योग्राफी शुन्ना शुन्ना बना के आए हैं, आप अंडे बना रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 12 के अंदर 70%, 11 के अंदर 52%, 53%, ओके देन 10 के अंदर 64%, ठीक है। ओवरऑल अगर हम केवल लाइब्रेरी के ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें तो बच्चे आपका जो है ये ग्राफ अच्छा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से और इसको कंसिडर करूँ तो यू आर डूइंग रियली वेरी 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 वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे भी ऐसे ही करते रहिए, बेस्ट विशेस। नेक्स्ट आप आए, नेक्स्ट है हमारे पास सतीश गोंड, सतीश गोंड, ओके सतीश ने अभी जस्ट ज्वाइन नहीं किया हमारा टेस्ट, दो टेस्ट ही इन्होंने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ग्राफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहा है। लास्ट टेस्ट जो है ज्योग्राफी का इन्होंने दिया था, ज्योग्राफी में जो है 46% जो है इन्होंने अचीव किया है, देन उसके बाद 78% 78.71% अभी फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने लिया है, सेकंड शायद आज वो दें, देने के बाद ही होगा। तो सतीश जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट मधुमिता, मधुमिता आपका ग्राफ बच्चे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, देखो 78% मार्क्स में अगर जाएं तो 156 मार्क्स, थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है बिकॉज आपने जो स्टार्ट किया था 6 से स्टार्ट किया था, 6 में आपका 97% था, देन उसके बाद आप डाउन चले गए 61% हुआ, फिर वापस डाउन चले गए, फिर थोड़े से अप हुए, फिर डाउन हो गए, फिर थोड़े से अप हुए, फिर थोड़े से अप हुए, थोड़े से अप हुए, अगेन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियों ने वेव्स बनाने का काम आपको दे दिया है ना, अदरवाइज मत लेना मेरी बातों को, मैं मजाक करती रहती हूँ, है ना, बट वेव्स नहीं बनाने बच्ची, इसको ग्राफ को आप ऊपर लेके चलो, ठीक है, ऊपर ले चलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आते हैं सोमराज, सोमराज देख लेते हैं कोई और तो नहीं है, चलिए एक ही सोमराज है हमारे पास। सोमराज के परसेंटेज हैं 77.72%, मार्क्स के हिसाब से जाते हैं तो 155.44, पीछे जाते हैं भूगोल को छोड़ती हूँ मैं, 80% जो कि थोड़ा ज्यादा ही था, अभी वापस कम हो गया। अगर हम जाते हैं